देखो तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे ए फ्लक्स की कैसे, कि मान लो ये कंटेनर है, ये मैंने होल कर दिया, यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो यहां पर एटमोस्फेयर का प्रेशर है, ये लिक्विड है, इस होल के ऊपर की हाइट एच है और होल के नीचे की हाइट एच डैश है। लिक्विड बाहर निकलेगा, लिक्विड हॉरिजॉन्टल बाहर निकलेगा, पर ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से लिक्विड नीचे गिरेगा और पाथ फॉलो क्या करेगा, पैराबोला, पैराबोलिक पाथ पे नीचे गिरेगा। लिक्विड जमीन पे कितनी दूर जाके गिरेगा उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। याद है हमने किया था प्रोजेक्टाइल में रेंज, तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एक तो रेंज कैलकुलेट करनी है, दूसरा ये कैलकुलेट करना है कितने समय में लिक्विड बाहर निकलेगा, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, निकलती वेलोसिटी क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, हम दो पॉइंट्स लेते हैं। इस सबसे पहले इस टॉपिक से पहले एक पॉइंट को समझो कि ये लिक्विड नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये वाला लिक्विड बाहर निकलेगा। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूं, यहां पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो कहां जाएंगे, वो सीधा होल में से बाहर निकलेंगे, लेकिन ये वाले पार्टिकल तब तक बाहर निकल नहीं पाएंगे जब तक ये वाला पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा। पहले ये निकलेंगे, फिर नीचे के पार्टिकल, ऊपर के पार्टिकल नीचे आएंगे और फिर वो आगे निकलेंगे, फिर वो निकलेंगे, फिर नेक्स्ट का नंबर आएगा, राइट। और इन ये पार्टिकल तो नीचे निकलेंगे ही नहीं क्योंकि होल के नीचे लाई करते हैं, ठीक हो गया यहां तक। तो इसका मतलब कि इस इंस्टेंट पर एक लाइन अगर खींची जाए तो इन पार्टिकल्स का नंबर है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्लो में है। तो लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, तो हम एक बर्नौली थ्योरम लगाने जा रहे हैं। मैंने दो पॉइंट चूज किए, एक कंटेनर के अंदर ले लिया एक्स, कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो, यहां जहां मर्जी, और दूसरा इमीडिएटली कंटेनर के बाहर ले लिया, मींस होल के इमीडिएटली बाहर निकलते ही एक पॉइंट ले लिया वाई। तो एक पॉइंट ले लिया अंदर, एक पॉइंट ले लिया बाहर, तो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो में एनर्जी टोटल कंजर्व रहेगी, यानी कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट एक्स एंड एट पॉइंट वाई विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू एक्स और वाई पे एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्लियर है। तो बर्नौलीज लगाते हैं, एक्स पॉइंट पर बर्नौलीज कैसे लगेगी, एक्स पॉइंट का प्रेशर अपॉन डेंसिटी वाटर की जो भी लिक्विड की रो होगी, जी एच और वी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई पॉइंट का प्रेशर बाय रो, क्योंकि अब मैं बर्नौलीज वाई पे लगा रहा हूं तो टोटल एनर्जी वाई पे लूंगा, तो वाई पॉइंट पे जो भी बर्नौलीज लगेगी, जी एच वी वाई स्क्वायर बाय टू। पोटेंशियल एनर्जी वैसे हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि एक्स और वाई की हाइट ग्राउंड से एग्जैक्टली सेम है, वो तो वैसे ही कट गई। तो क्या बचा, ये चार टर्म बच गई आपके पास। अब मुझे ये बताओ प्रेशर की वैल्यू एक्स पॉइंट पर क्या होगी। अब प्रेशर एक्स पॉइंट पर दो चीजें लगाएंगे, एक लिक्विड लगाएगा और एक उसके ऊपर एटमोस्फेयर लगाएगा। तो एक्स पॉइंट पर प्रेशर लिक्विड की वजह से क्या लगेगा, एच रो जी। एक्स पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर है एच रो जी और एटमोस्फेयर प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेयर। तो एक्स पॉइंट का प्रेशर क्या बनेगा, पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी, ठीक। वाई पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल इमीडिएटली निकलते ही, इमीडिएटली निकलने का मतलब है कि लिक्विड के असर से वो बाहर हो गया, वो पार्टिकल हवा में आ गया और एयर में निकलती है, उसके ऊपर कौन सा प्रेशर काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो वाई पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये भी क्लियर है। तो एक्स का प्रेशर ज्यादा और वाई का प्रेशर कम है। अब एक चीज का आंसर आपने देना है मुझे, मैंने इसके अंदर एक्स और वाई पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो ली है, मैंने ये माना एक्स पॉइंट के पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो है, वाई पॉइंट की पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। कोई बताएगा एक्स पॉइंट की वेलोसिटी जीरो कैसे ले सकता हूं, क्या पार्टिकल मूव नहीं करेगा, बैठे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो नहीं, बहुत कम होगी, बहुत कम, ऐसा हो सकता है क्या, इसमें ऐसा होगा, ऐसा है। मैंने एक्स पॉइंट की वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली जीरो ही पुट किया है, कैसे, नहीं तो फिर वाई की कैसे आ गई, ठीक है। ऐसे इमेजिन करते हैं, इमेजिन करो ये लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं है, इमेजिन करो ये बहुत सारे एक स्टूडेंट्स हैं जो लाइन में बैठे हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, एक के ऊपर एक, जगह ही नहीं, सांस लेने की भी जगह नहीं है, फंसे बैठे हैं सारे। और इमेजिन करो ये एक विंडो है, सोचो दीवार है, बस एक स्टूडेंट निकल सकता है टाइम, ठीक,
पूरे भरे पड़े हैं यहाँ पे और हर बंदे को बाहर निकलना है। अब जो बंदा उस खिड़की पे आ गया वो तो क्या करेगा, बाकी लोग उसे धक्का मारेंगे चल बाहर निकल। तो जैसे वो बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी एकदम बढ़ेगी, अंदर वाले कहाँ मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा टाइट हैं ऑलरेडी, तो उनकी मोशन कैसे होगी, होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एरिया बहुत ज्यादा है, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है और यहां सिर्फ एक पार्टिकल को बाहर निकलना है। तो प्रेशर की वजह से ये इधर धक्का लगेगा, तो जिस वजह से वाई पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी और एक्स की ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू वाई। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? अप्रोक्सीमेटली, देखो बिल्कुल जीरो नहीं बोल सकते, बिल्कुल जीरो बोलेंगे फिर लोगों के पानी का पार्टिकल बाहर कैसे निकल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जब आपके पास बहुत बड़ा टैंक है पानी का, बहुत बड़ा, और आपने एक होल कर दिया, होल में से बहुत तेज पानी निकलता है, बहुत पतला होल है, बहुत नेग्लिजिबल एरिया का होल है, पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, तेज निकल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कुछ देर के लिए टैंक खाली नहीं हो रहा, उसकी हाइट बहुत कम चेंज होती है, तो नीचे आने की वेलोसिटी बहुत छोटी होती है पर बाहर निकलने की वेलोसिटी लिक्विड के पार्टिकल की बहुत ज्यादा होती है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो इस केस में अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं, तो अप्रोक्सीमेटली एक्स पॉइंट की वेलोसिटी को क्या ले लिया, जीरो, और वाई पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या ले लिया, वी एफ्लक्स। ठीक है, ये मुझे निकालना है, वाई वाई पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, इसको इससे डिवाइड किया पी एटमोस्फेरिक बाय रो, इसको इससे डिवाइड किया रो से रो कैंसिल, पी एटमोस्फेरिक बाय रो और ये रही, तो ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी एफ्लक्स का स्क्वायर का अंडर रूट लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। नोट कर सकते हो फॉर्मूला बुकलेट में, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gh, और इंपॉर्टेंट वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है, h पे डिपेंडेंट है, हाइट पे डिपेंडेंट है। कौन सी हाइट? ये हाइट है होल से ऊपर लिक्विड की हाइट, नीचे की हाइट यहां पर मैटर नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के ऊपर की हाइट मैटर कर रही। अब जितनी हाइट लिक्विड की होगी h, उतनी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ज्यादा होगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? एनसीईआरटी का टॉपिक है तो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हो जाएगा यहां तक। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन आएगा रेंज निकाल लो। अब जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। रेंज कैलकुलेट करने की कोई नई थ्योरी नहीं है, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है। हमने प्रोजेक्टाइल किया था, प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या ली जाती है, जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वी एफ्लक्स है। हाइट कितनी है, एच डैश है। तो वाई एक्सिस में अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो क्या लगाऊंगा, एच डैश इज जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। मान लो टी टाइम में पार्टिकल जमीन पे आता है, यहां से आने में टाइम कितना लिया पार्टिकल ने या लिक्विड ने नीचे आने में टी टाइम लिया, तो वाई एक्सिस में इक्वेशन लगा के टाइम की वैल्यू आ जाएगी टू एच डैश बाई जी का अंडर रूट। तो टाइम आ गया यहां पे। अब आपको क्या निकालनी है, रेंज। रेंज का मतलब एक्सिस क्या लेना है, एक्स। तो x एक्सिस में इक्वेशन क्या लगेगी, s इज इक्वल टू वी टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट होती है, तो r इज इक्वल टू वी एफ्लक्स, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, वी एफ्लक्स है, और इनटू टाइम t। एफ्लक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh, और टाइम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 2h डैश बाय जी। तो यहां से क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है। तो ये रहा y एक्सिस में हमने पहले टाइम निकाल लिया, एक्स एक्सिस में ये इक्वेशन लगाई, एफ्लक्स हमने कैलकुलेट कर ली, टाइम हमें पता है, करेक्शन कर लेना 2 बाहर आएगा। तो रेंज का फॉर्मूला 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच एच डैश है, क्योंकि 2 इंटू 2 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया। तो रेंज का फॉर्मूला आर की वैल्यू क्या होगी, ये शॉर्टकट याद करेंगे सीधा, एच इंटू एच डैश, बात खत्म। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब रेंज की जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। रेंज की वैल्यू होल के ऊपर की हाइट और होल के नीचे की हाइट दोनों पे डिपेंडेंट है। तो सिर्फ ऊपर की हाइट पे नहीं, ऊपर की हाइट पे सिर्फ एफ्लक्स डिपेंडेंट है वेलोसिटी, लेकिन रेंज पे दोनों हाइट्स डिपेंडेंट है कि आपने वो होल कहां किया, ग्राउंड से कहां किया। तो एच डैश पे भी और एच पे भी। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अगर पेपर में आएगा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल लो और टाइम निकाल लो और रेंज निकाल लो, आंसर। ठीक, ये पहला टॉपिक है। दूसरा, इसको कंटिन्यू करते हैं।